I take very, very, very strict care of my oral. इतने बड़े स्माइल से मैंने आज ये वीडियो स्टार्ट की है तो पता ही चल गया आपको, ऑब्वियसली थंबनेल टाइटल से तो आपको पता चल ही गया कि आज मैं बात करने वाली हूँ ये जो मेरे इतने टीथ वाइट है कैसे है, मैं कैसे इनका ख्याल रखती हूँ और कैसे मेरी ब्रेथ इतना फ्रेशन रहती है, कैसे मुझे कैविटीज नहीं होती है। एंड टू बी फ्रैंक गाइज, अभी ये थोड़ा सा ऑकवर्ड होगा बट आप मेरा पूरा मुंह देख लो, मेरा एक भी दांत सड़ा हुआ नहीं है, टच वुड। आई टेक अ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट जो ये दांतों का सीन होता है उसे बहुत अच्छे से केयर करती हूँ। स्किन केयर के साथ साथ मैं हमेशा हमारे जो टीथ एंड जो ओरल केयर है हमें ये अच्छे से करना चाहिए। जब हम किसी से बात करते हैं तो उसे ऐसे फील नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि मेरा नाम है सुरभि और आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है गाइज। और मैं स्किन केयर, मेकअप रिलेटेड, लाइफस्टाइल रिलेटेड एंड ऐसे जो आज मैं ओरल केयर की बात करने वाली हूँ, ऐसे मैं वीडियोस लेकर आती हूँ। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल गाइज, और उसके साथ में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक करना ताकि मेरे जितने अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज है अब तक पहुंचे। एंड इसे शेयर भी करना जिनको जरूरत है, जिनकी बैड ब्रेथ है या जिनकी बैड स्मेल आती है उनको भेज देना एंड बोलना कि प्लीज ऐसे ऐसे केयर करना, बहुत ईजी है केयर करना, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है। आपको तो पता लग गया ही है गाइस थंबनेल में कि आज मैं बात करने वाली हूँ कोलगेट का रेड विजिबल वाइट, ये जो टूथपेस्ट है इसके बारे में। एंड मैं इसे अभी नहीं, बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ। इवन शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 6 से 7 साल हो गए हैं इसको आके मार्केट में। जब सोनम कपूर ने एडवर्टाइज की थी तब से मैं इसे यूज कर रही हूँ। एंड बीच में मैंने इसको छोड़ा भी है यूज करना एंड बाद में वापस मैंने स्टार्ट कर दिया था, वापस मैंने छोड़ा था, वापस मैंने स्टार्ट कर दिया था। एंड ये जो आइडिया था मुझे अक्षय ने दिया था कि यू शुड शेयर दिस, क्योंकि बहुत लोग मुझे पूछते हैं आके सामने से क्या, हाउ यू हैव दिस मच नाइस टीथ और कैसे यू टेक केयर। तो मैं ऐसे पर्सनली तो बता देती हूँ बट यार यूट्यूब के ऑडियंस को भी बनता है ना बताना, तो मैंने सोचा कि चलो मैं शेयर कर देती हूँ कि हाउ आई टेक केयर ऑफ माई टीथ। तो गाइज ये जो इंट्रोड्यूस हुआ था मार्केट में तब ना मुझे ऐसा लगता था कि ये सब फेक, ऐसा कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि ये इतना छोटा सा ट्यूब 99 रुपीज का मिलता है और हम क्या यूज करते थे 10-20 रुपए वाला जो कोलगेट हमें मिलता था उस टाइम पे, तो हम वही यूज करते थे। एंड शायद आज भी हम यही देखते कि यार सिर्फ ब्रश ही तो करना है 2 मिनट के लिए तो हम कोई सा भी टूथपेस्ट ले, बट ऐसा नहीं है। यही आप गलत हो जाते हो कि एक अच्छा टूथपेस्ट भी खरीदना होता है। सो मैंने बहुत ऐसे, मतलब मेरे पापा का है ना कि बहुत ऐसे वो डिमांड जाते हैं एंड अलग अलग टाइप के टूथपेस्ट लेके आते हैं, तो हमें ना बहुत वैरायटीज मिलती है यूज करने के लिए। सो मुझे ऐसे 2-3 टूथपेस्ट ये जो मुझे पसंद आते हैं, मैं रेगुलर लाइफ में उन्हें यूज करती हूँ, उसमें से कोलगेट का रेड विजिबल वाइट, ओ माय गॉड, ये मेरा फेवरेट टूथपेस्ट है। मैं स्टार्टिंग में ही बोल देती हूँ, इट्स नॉट अ पेट प्रमोशन और कुछ भी गाइज, ये मेरा खुद का वर्डिक्ट है। मैं खुद यहाँ पे आज लेकर आई हूँ ये प्रोडक्ट आपको इंट्रोड्यूस कराने के लिए। सो ये जो प्रोडक्ट है ये 99 रुपीज से स्टार्ट होता है एंड नंबर ऑफ बहुत सारे ग्राम में मिलता है। ये 50 ग्राम का प्रोडक्ट है, आपको 99 रुपीज में मिलता है एंड फिर शायद 100 ग्राम फिर 200 ग्राम ऐसे है आगे जाके बड़े बड़े पैकेजेस में आपको मिल जाता है। सो मैंने इसे यूज किया एंड मुझे देखो इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि आपको ये 3 टाइम्स यूज करना है इन अ डे एंड आपको 2-2 मिनट्स तक इसको ब्रश करना है। अब चलो सब कुछ मान लिया, 3 टाइम्स सच में पॉसिबल है? नो, आप खुद सोचो, आप वर्किंग वुमेन और वर्किंग मैन हो, कोई भी हो यार, 3 टाइम्स पॉसिबल ही नहीं है। एंड 3 टाइम्स करने के बाद में तो आपको कोई से भी टूथपेस्ट से आपको आपकी जो ब्रेथ है वो फ्रेशन अप हो सकती है, आपको कैविटीज नहीं होगी, आपका जो एनामल है वो भी सेफ रहेगा, जो भी है वो सब कुछ जो ये एक रेड विजिबल वाइट क्लेम करता है वो एक कोई भी टूथपेस्ट करेगा अगर आप 3 बार ब्रश करते हो तो। सो
मेरा मैं तो देखो टू बी फ्रैंक मैं सिर्फ एक बार ही ब्रश करती हूँ एंड पहले करती थी दो बार बट मैं वापस से इस क्राइटेरिया में आ गई हूँ कि मैं सिर्फ सुबह ब्रश करती हूँ एंड बाद में ब्रश नहीं करती. इट्स वेरी बैड मैं इसको प्रमोट नहीं करती. आपको टू टाइम्स ब्रश करना ही चाहिए एट द नाइट ऑल्सो यू शुड डू. जो तो अभी मैं स्टार्ट कर देती हूँ. चलो अब मैं यहाँ पे खुद की इज्जत निकाल दी है तो मैं स्टार्ट कर देती हूँ. सो गाइज ये जो प्रोडक्ट है ये कैसे वाइट करता है मैं आपको इसका इंग्रेडिएंट स्टडी करके बताती हूँ एंड कैसे ये आपको लॉन्ग टाइम तक वाइट रखेगा, कैसे आपके स्टेन को जो पुराना स्टेन है वो निकालेगा. मैं सब कुछ आपको लाइन बाय लाइन बताऊंगी कि जिनको इंस्पायर होके मैंने आज थोड़ा सा गेटअप किया है. ये जो वाइट है तो मैंने वाइट टॉप पहना, ये जो रेड ट्यूब है तो मैंने रेड लिपस्टिक लगाई है. सो अब हम इस के इंग्रेडिएंट्स के बारे में देखते हैं. तो देखो आप दो तीन अगर आपके पास होंगे टूथपेस्ट तो आप ना थोड़े से इंग्रेडिएंट्स मैच करके देखो. बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स सेम होते हैं बट रेड विजिबल व्हाइट को अलग क्या करता है. इसमें एक दो इंग्रेडिएंट्स है जो रेड विजिबल व्हाइट को सब टूथपेस्ट से अलग करता है. दैट इज टेट्रा पोटेशियम पायरोफॉस्फेट एंड सेकेंड इज सिलिका. तो ये जो टेट्रा पोटेशियम पायरोफॉस्फेट है ये हेल्प करता है आपके दांतों को शील्ड देने में. ओके अब जब कुछ खाते हो तभी तो दाग लगते हैं आपके दांतों को और फिर वो दाग निकलते ही नहीं है. तो एक शील्ड बैठ जाती है आपके दांतों के ऊपर एंड फिर आप कुछ भी पियो खाओ तो वो स्टेन नहीं रहता. तो पायरो ये जो टेट्रो पोटेशियम पायरोफॉस्फेट है ये मेन हेल्प करता है आपको कि दाग ना बैठ सके, ये काम करने का. ठीक है अब ये तो हो गया एंड फर्स्ट ही इसका इंग्रेडिएंट लिस्ट में सिलिका है. तो सिलिका क्या करता है ना गाइस, जो पुराने वाले आपके दाग है उससे निकालने में हेल्प करता है. तो ये जो दो इंग्रेडिएंट है ये आपको मोस्टली हेल्प करते हैं और टीथ वाइटर करने में. मैं इसे कैसे यूज करती हूँ, नॉर्मली एक ब्रश लेना होता है, थोड़ा सा अमाउंट आपको टूथपेस्ट का लेना होता है रेड विजिबल व्हाइट का एंड आपको 2 मिनट्स तक इसे ब्रश करना होता है. और 2 मिनट्स कोई भी आपको टूथपेस्ट यूज करना होता है, 10 से 15 मिनट ऐसे नहीं. देखो मैं कोई के विमेंस को देखती हूँ ना, किसी का ब्लॉग्स देखती हूँ तो वो ब्रश लेके घूमते रहते हैं. ऐसा नहीं करना रहता है, सिर्फ 2 मिनट ही आपको ब्रश करना रहता है, उसके बाद खत्म, उसका काम खत्म हो गया. यही चीज आपको रात में भी करनी है. अब ये जो टूथपेस्ट है इसमें थोड़े हार्श केमिकल्स है, इसके वजह से बच्चों को यूज नहीं करना है और टीनेज से लेके अडल्ट यूज कर सकते हैं. यहाँ पे फिर भी पैकेजिंग पे लिखा हुआ है कि 6 ईयर्स ओल्ड के नीचे नहीं यूज करना चाहिए, 6 ईयर्स अबाव यूज कर सकते हो. बट मैं बोलना चाहूंगी कि नहीं, बच्चों को व्हाइट टीथ की जरूरत नहीं होती क्योंकि आफ्टर एन ऑल उनके दांत गिरने ही वाले एक टाइम के बाद में. सो एक टीनेज आने के बाद में आप यूज करो या फिर एक 11-12 साल जो होगा उसके बाद आप यूज करना स्टार्ट कर सकते हो एंड यू विल बी थैंकफुल. और कमेंट में आके मुझे जरूर बताना है कि आपको ये वाला टूथपेस्ट हेल्प किया या नहीं किया है. इसके साइड इफेक्ट्स एक ही है कि ये बहुत ज्यादा महंगा है यार. एक नॉर्मल टूथपेस्ट हमें 10-20 रुपए का मिल जाता है बट ये एक 50 ग्राम का पैकेट है आपको 99 रुपीज मिलता है. सो ये थोड़ा महंगा है, नहीं काफी महंगा है. सो अगर आप इसे अडेप्ट कर रहे हो आपके डे टू डे लाइफ में गाइस तो मुझे इन फ्यूचर आके जरूर कमेंट में बताना कि कैसा लगा मेरा रिव्यू और कैसा हेल्पफुल रहा ये आपको और आपके टीथ को कैसे इसने अच्छे से वाइट किया है. एंड अगर आप 3 टाइम्स यूज कर रहे हो ना, अगर पॉसिबल है आपको तो आपको ये 2 से 3 दिन में भी वाइटर शेड दे देगा. 1 वीक तक लेने की जरूरत नहीं है. फिर भी इसके पैकेजिंग में क्या लिखा हुआ है कि 1 शेड वाइटर इन 1 वीक 3 टाइम्स यूज करने के बाद फॉर अ डे. बट मुझे ऐसा लगता है कि यार नहीं, 2-3 दिन में फर्क पड़ जाता है. साथ में ये स्पार्कलिंग मिंट है, इसमें मिंटी सी खुशबू है. आप जब ब्रश करते हो तो बहुत ऐसा फ्रेश फील होता है एंड फ्रेश ब्रेथ आती है. साथ में इसमें लिखा हुआ है सेफली एक्सफोलिएट्स द स्टेन्स, जो भी स्टेन्स है उसको बहुत अच्छे से एक्सफोलिएट करता है जो कि सिलिका है मैंने बोला था. एंड साथ में पॉलिश करता है आपके टीथ सरफेस को. साथ में इसमें है जो कैविटीज होती है आपको उससे ये फाइट करने में हेल्प करता है. प्रोटेक्ट एनामल. अभी ये एनामल क्या होता है, जो शील्ड होती है ना, जो ग्लॉसी शील्ड होती है आपके दांतों के ऊपर नेचुरली, उसे एनामल ही कहते हैं. वो प्रोटेक्ट करता है, उसे ब्रेक नहीं करता एंड रफ टीथ नहीं लगते, ग्लॉसी टीथ लगते हैं. और फ्रेशन्स ब्रेथ, यस क्योंकि इसमें मिंट है तो ये आपके ब्रेथ को बहुत ज्यादा अच्छा स्मेल कराता है. तो आई होप गाइज आज का जो रिव्यू था ये रेड विजिबल व्हाइट के ऊपर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा. एंड रहा है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि
आपने इसको यूज किया है या नहीं। अगर नहीं किया है तो प्लीज एक बार सिर्फ यूज करो ये छोटा वाला पैकेट लेके, एंड बताना मुझे कि आपको फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा है। और आपने यूज किया हुआ है तो आपको क्या लगता है कि मैंने सही बोला है या नहीं बोला है, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है गाइज, तो इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, चलो देखते आई एम टेकिंग साइन ऑफ फ्रॉम यू गाइज, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी से मुझे सजेशंस दो कि मैं नेक्स्ट किस चीज के ऊपर वीडियो लेकर आऊं। एंड गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल, आई लव यू सो मच।